नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर में जयविलास पैलेस पहुंचे, जहां राजमाता मादिराजे सिंधिया को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महल के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और महान आर्यमन सिंधिया के साथ दिग्विजय सिंह यहाँ बैठे हुए नजर भी उसका अवसर भगवान को अर्पण कर दे। मुझे इसका बारे में कुछ नहीं चाहिए, मैं सुलभ हो जाता हूँ। अब ऐसा भागवत जी में एक चर्चा आई, ये आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजमाता मादिराजे सिंधिया के निधन के बाद। जयविलास पैलेस दिग्विजय सिंह पहुंचे थे आज और जो भगवान उन्होंने राजमाता को श्रद्धांजलि दी महल के अंदर। वो थोड़ी देर रुके भी रहे, मुझे इसका बारे में कुछ इस दौरान महान आर्यमन सिंधिया के साथ बैठे हुए नजर भी आए। अब ऐसा भागवत जी में एक चर्चा आई और बैठकर यहाँ गरुण पुराण भी सुना। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी हम कर्म करते हैं, महान आर्यमन सिंधिया को आप बैठा हुआ देख सकते हैं तस्वीरों में, साथ में दिग्विजय सिंह भी यहाँ बैठे और राजमाता को श्रद्धांजलि देने के लिए वो यहाँ पहुंचे। मैं सुलभ हो जाता हूँ। अब ऐसा भागवत जी में एक चर्चा आई, तस्वीरें ग्वालियर के जयविलास पैलेस की आप देख रहे हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, यहाँ ये एक सज्जन ने जो भगवान शंकर के वो पुरानी पहचान, शिष्टाचार और आत्मीयता दिखाने पहुंचे थे दिग्विजय सिंह जयविलास पैलेस ग्वालियर के। तो ये जो भी हम कर्म करते हैं, एमपी बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई उसकी वजह भी विधायकों से पूछी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद पार्टी लीडरशिप इसका आकलन करेगी। माना जा रहा है कि कल अन्य प्रदेशों में होने जा रही वोटिंग के बाद या फिर 30 मई के बाद रणनीतिकारों की बैठक बुलाई जा सकती है। एमपी चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय समेत पार्टी के दिग्गज नेता रिपोर्ट का आकलन करेंगे। रिपोर्ट मांगी गई विधायकों से, खासकर जो पहले दो चरण रहे उसमें वोटिंग कम रही उसको लेकर सवाल पूछा गया है। क्या बूथ पर 370 प्लस वोट पड़े हैं, नहीं पड़े हैं, उसको लेकर बातचीत की गई है। रिपोर्ट मांगी गई है, सवाल पूछे गए हैं अलग अलग तरह से और अब उस रिपोर्ट पर आकलन भी किया जाएगा। 30 मई के बाद रणनीतिकारों की बैठक बुलाई जा सकती है, ये भी कहा जा रहा है। दिग्गज बैठकर मंथन करेंगे रिपोर्ट पर, कैसा वोटर्स टर्नआउट रहा विधायकों के क्षेत्र में, बूथवार वोट परसेंटेज की स्थिति कैसी रही है। तो वही इस फीडबैक को लेकर एमपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा का कहना है कि इसका मतलब साफ है कि बीजेपी समझ चुकी है कि उसे हार मिलने वाली है। वहीं बीजेपी का कहना है कि भाजपा एक जीवंत संगठन है, यहां हर चुनाव के बाद नेताओं से फीडबैक लिया जाता है। बीजेपी को रिपोर्ट की क्या जरूरत है, पूरे संसाधन उनके पास हैं, वो तो कहीं से भी मालूम कर सकते हैं। उन्हें विधायकों की ड्यूटी लगाने से क्या मतलब है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से लेकर हर जो संसाधन है उन पर पूरा काबू है उनका, तो उन पर ध्यान दें, वो उनसे बातचीत करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और स्वाभाविक तौर पर चुनाव के बाद पार्टी अपना फीडबैक लेती है, अपने जनप्रतिनिधियों से, संगठन के पदाधिकारियों से, स्थानीय स्तर पर क्या रिपोर्ट रही इसकी समीक्षा की जाती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र को इतनी मजबूती के साथ संचालित कर पाती है। हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं उसको हासिल करके दिखाते हैं। विधानसभा के चुनाव में अगर 150 पार का लक्ष्य लेकर के चले थे तो हमने 165 से ज्यादा सीटें प्राप्त। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी है और काउंटिंग के दिन सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं, कहा मतदान के 6 दिन बाद जारी होते हैं संशोधित आंकड़े, काउंटिंग के दिन फॉर्म 17C से मैच करे मतों को लेकर और काउंटिंग के दिन हर कोई अलर्ट रहे। जीतू पटवारी ने यह खत लिखा है अपने कार्यकर्ताओं को, चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए हैं। कहा है कि काउंट मतगणना मतदान के 6 दिन बाद जो मॉडिफाइड नंबर होते हैं वो सामने आते हैं और इसीलिए फॉर्म 17C से मतों का मिलान करें।
और अब खबर सीहोर से, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू मुस्लिम की आबादी को लेकर यह बयान आया है, सनातन धर्म के लोगों को वंश वृद्धि करनी चाहिए ताकि राष्ट्र और सनातनी सुरक्षित रहें। कांग्रेस के आरोप पर भी बोले पंडित प्रदीप मिश्रा, व्यास गद्दी पर बैठकर पक्षपात नहीं होता है, हम सनातनी हैं, सनातनी की बात करते हैं। देखिए, सनातन धर्म के हिसाब से चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि हमारे जो सनातनीय हिंदू भाई हैं वो लेकर बैठे हुए हैं कि घर में एक ही बच्चा होना चाहिए, पर हमारा तो कहना है कि वंश को बढ़ाइए किसी भी क्रम में, अगर वंश बढ़ता है तो आने वाले समय में आपको भी तकलीफ नहीं होगी, राष्ट्र को भी तकलीफ नहीं। तो जो ये सोच कर बैठे हैं कि अपने को धीरे 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 सनातन धर्म नीचे होते जा रहा है या लोग कम होते जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि भी थोड़ी होना चाहिए, सनातन धर्म को मजबूत करने में वो भी एक कार्य। अगली खबर इंदौर से, जहां अक्षय कांति बम को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ी है। कोर्ट ने केस की सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा है। मामले में 29 मई को अगली सुनवाई होगी। अक्षय ने हाईकोर्ट की शरण लेकर अग्रिम बेल मांगी थी, इंदौर सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है अग्रिम जमानत। और बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां अक्षय कांति बम को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ी। कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया है। 29 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी। अक्षय ने हाईकोर्ट की शरण लेकर अग्रिम जमानत मांगी थी, इंदौर सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। और अब बात करेंगे धार के भोजशाला सर्वे की। 64वें दिन के सर्वे में गर्भगृह के उत्तरी और दक्षिण दिशा में मिट्टी हटाने का काम किया गया। शुक्रवार होने के चलते आज भोजशाला में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी, तो वहीं मुस्लिम समाज ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और भोजशाला में हो रही खुदाई के काम को बंद कराने की मांग की। बता दें कि मुस्लिम समाज ने खुदाई बंद नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बैठे हैं कि अपने को धीरे 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 सनातन धर्म नीचे होते जा रहा है या लोग कम होते जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि भी थोड़ी होना चाहिए, सनातन धर्म को मजबूत करने में वो भी एक कार्य। वो न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करवाया जाए। क्या कदम होगा अगला आपका? देखिए, आज हमने फिजिकल एक्सक्यूशन का जो पालन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, हमने उसके विरोध में आज काली पट्टी बांधकर अपना मौन विरोध दर्ज करवाया है। और हम निवेदन करते हैं एसआई की टीम से कि जो फिजिकल एक्सक्यूशन हो रहा है और जो मस्जिद का मूल स्वरूप चेंज किया जा रहा है, आप उसे तत्काल बंद करिए। लेकिन आम मीडिया के जरिए, हमारे रिस्पोंडेंट नंबर 8 के जरिए, और हमने खुद ने भी देखा कि यहाँ पर दक्षिणी साइड में फिजिकल एक्सक्यूशन किया, आसपास जो मस्जिद है उसके आसपास की नींवों को 15-17 फीट खोद दिया गया, जिससे इमारत को भारी क्षति पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर हमने काली पट्टी बांधकर समाज के लोगों ने इसका विरोध जताया है, और ये विरोध सिर्फ हमारा सांकेतिक विरोध है। हम ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है।